Agai Namo Vidrayai Namo Arihantanam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Siddhanam Namo Ayarhiyanam Namo Ayarhiyanam Namo Vajrayanam Namo Vajrayanam Namo Loe Sabbasahunam Namo Loe Sabbasahunam Aso Pancha Namukaro Aso Pancha Namukaro Sabba Pavapanasano Sabba Pavapanasano Mangalanancha Sabvesin Mangalanancha Sabvesin Padamam Havai Mangalam Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Pratyaksh Dada Bhagavani Sakshiye Pratyaksh Dada Bhagavani Sakshiye वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु तैत्रीस कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु निष्पक्ष पाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु जगत भर ना संत पुरुषों नु योग बल जगत भर ना सत पुरुषों नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल योग बल सत विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो अने कल्याण करवा
स्वामी जी तमारू अनम्यूट करो मेरे मेरे जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो नेज स्वभाव से गुरु वाग्न है सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंदे तैत्रिश कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीषं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हमें सब आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी हमें सब आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करिए छे के अने प्रार्थना करिए छे के हम सर्वे महात्माओं ने हम सर्वे महात्माओं ने मोक्ष मार्ग ने लायक मोक्ष मार्ग ने लायक अने सहाय संजोगो अने सहायक संजोगो प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ हे श्री अंबे माँ हे श्री अंबे माँ हे श्री भद्रकाली माँ अमे सौ आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अमे सौ आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करिए छे अने प्रार्थना करिए छे प्राप्त मन वचन काय प्राप्त मन वचन काय आ जगत ना कोई पण जीव ने किंचित मात्र पण दुख न थाय तेवी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन स्यादवाद वाणी परम शक्ति आपो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद बधा महात्माओं सभी महात्माओं को सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद अभी आप तो हिंदी में सत्संग है
हम सब जिस प्रकार से ये अध्यात्म ज्ञान को अपने जीवन में समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश हमारे लिए हमारा जीवन को उत्तम बनाने के लिए, उद्भगति की ओर जाने के लिए और स्वस्वरूप की अनुभूति करने के लिए, हमारे लिए ये आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम सब जैसे जैसे भी आगे बढ़ेंगे, ये विज्ञान स्वयं अपने आप खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, खुलता रहेगा। क्योंकि जितना आप सिंसियर एंड ऑनेस्ट हो, कुदरत आपको हर प्रकार की हेल्प करने के लिए तैयार है। कुदरत ये कहती है कि दुनिया तो खुली है, अगर आपके अगर आपका आंखों का नंबर बढ़ गया है तो मैं क्या करूं। ऐसे यहाँ आंखों का नंबर नहीं, यहाँ अज्ञानता के आंखों का नंबर जो मेरा बढ़ गया है, इसीलिए दुनिया की वास्तविकता मेरे को समझ में नहीं आती है। जैसे जैसे अज्ञान खत्म हो जाएगा, खत्म होता रहेगा, वैसे वैसे ये दुनिया की वास्तविकता, सनातन सत्य की सच्चाई और सैद्धांतिक सच्चाई धीरे धीरे अपने आप स्वयं खुली हो जाएगी। क्योंकि वैसे आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है ही, और जगत तो कभी किसी को अवरोध रूप नहीं बनता है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जैसे जैसे हम सबको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम यही विज्ञान को उपयोग करते करते अपने ही अज्ञान को हम मिटाते रहेंगे, भीख और भय को समाप्त करते रहेंगे, और मालिक की भाव, कर्ता भाव, रिलेटिव सत्य का खत्म करते रहेंगे, वैसे वैसे ये दुनिया का सनातन सत्य अपने आप स्वयं ही खुला हो जाएगा। सिर्फ आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये मुक्ति का मार्ग वास्तव में ही अगर अनुभवी पुरुष के माध्यम से अगर ये विज्ञान समझ में आ जाता है, तो भूतकाल में भी बाईपास जितने भी अनुभवी पुरुष हो गए, दास भगवान, मद्राचार्य जैसे बहुत अनुभवी पुरुष इन पास्ट हो गए, और सभी का एक ही मत था कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है और सुगम है। मगर वो मार्ग के दाता जो होता है, मार्ग बताने वाला, वो दुर्लभ 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 होता है, और जो वो दुर्लभ है वो आपके लिए सुलभ हो गया है। तो इसीलिए हम सबको ये विज्ञान लाभ उठाना है। दूसरी बात, विज्ञान जब आप जब एज अ साइंटिस्ट कोई भी बात को समझने की कोशिश करो, तो उनके दोनों एंगल को देखने की कोशिश करो, एक एंगल मत देखो। कई लोग मैंने देखे हैं, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो वो समझता है कि मेरे को भगवान देखता है, यानी मेरे को इसका भगवान फल देगा। और जब बुरा काम करता है तब ये नहीं सोचता है कि इसको भी भगवान देखता है। तो ये साइंस नहीं है, ये आपका व्यू पॉइंट हो गया। साइंस का मतलब है अगर कुदरत अच्छे काम को भी देखती है, काम को भी देंगी। मगर ये हमारी सोच जो है इतने अवतारों रिलेटिव से की बनी हुई है, इसलिए हम कोई भी चीज को उनमें ही सोचते हैं। तो वन वे सोचना वो साइंटिफिक विजन नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। तो सनातन सत्य है, उसमें दोनों एंगल आ जाते हैं, अच्छा या बुरा, गुड एंड बैड। तो कहने का मतलब ये है, हर बात में देखो, कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी जीवन में बहुत दिक्कत आती है और प्रॉब्लम बहुत है, और मैं उनको सहन कर पा रहे हैं, आप हमको रास्ता बताइए। मैंने बोला आप सहन नहीं कर पाते जीवन में, मैं स्वीकार करता हूँ, और उनके लिए आप उपाय मांग रहे वो भी एक इंसान के नाते अच्छी बात है। मगर आप ये क्यों नहीं समझते, जब आपके जीवन में आपकी उम्र 40, 50, 60, 17 साल हो गई, और जब 90% संजोग आपके अच्छे रहे तब तो आपने कभी याद नहीं किया, और जब 10% बुरा है तो आप इसको सॉल्यूशन मांगते हैं। तो कहने का मतलब विज्ञान क्या कहता है, अच्छे संजोगे उसको भी कुदरती कानून के रूप में देखो, और बुरे संजोगे उसको भी कुदरती कानून के रूप में देखोगे, वही तो समाधान है।
फिर और कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। मगर हम हर समय देखते हैं कि एक ही साइड को देखते हैं, और इसलिए फिर ये दुनिया की वास्तविकता हमको समझ में नहीं आती है। एक भाई ने कहा कि स्वामी जी हमको धर्म तो करना चाहिए ना, बिना धर्म तो पुण्य कैसे बनेगा, और इसीलिए तप करिए, जप करें, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करें, और जो कुछ भी अच्छा काम हो सकता है वो सब हम करें तो अच्छी बात है ना। तो मैंने बोला आप कोई भी अच्छा काम करोगे प्रकृति से उसमें कोई बुराई तो नहीं है, मगर आप अच्छे काम करने के बाद आप पुण्य की जो अपेक्षा रखते हैं, अच्छे काम करने के बाद जो पुण्य की अपेक्षा रखते हैं, इतना ख्याल रखना आपसे जो बुरे काम होंगे उसका पाप का भी फल आपको ही मिलेगा, क्योंकि साइंस दोनों जगह काम करेगा। और इसीलिए मैंने कहा समाधान वहां है, अच्छे बुरे दोनों काम को कुदरती रचना के रूप में देखो, उसी से अज्ञान निकलेगा, नहीं तो पाप पुण्य तो चलता ही रहेगा। हमको अज्ञान निकालना है। अभी हमारा सब्जेक्ट न पाप है न पुण्य है, हमारा सब्जेक्ट है अज्ञान निकालने का। तो हर समय अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बात करती है, और इसीलिए मैं उनको ध्यान देता हूं कि ऐसा मत कहो। कई लोग जीवन में, आज मैंने देखा बहुत सारे लोगों का फोन भी आता है, कभी फिजिकल प्रॉब्लम, कभी मेंटली प्रॉब्लम, कभी सोशल फैमिली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों को होता है। मेरे पास फोन भी आता है, हर रोज आता है, और लोग समाधान भी उसका मांगता है। तब मैं सबको यही बात कहता हूं, तुम जब मुश्किलों से रोते हो तो ये क्यों नहीं समझते हैं कि मेरे पास जो अंदर परमात्मा बैठा है वो तो अनंत सुख वाला बैठा है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि कितना भी दुख क्यों ना आए, मगर मेरे परमात्मा के पास जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति के माध्यम से मैं सभी सुखों के साथ, सभी सुख और दुखों के साथ भी संभव में रहूंगा। ऐसी है परमात्मा मेरे को शक्ति दे। तो आखिर दुख से रोने की जरूरत नहीं है, रोने से दुख हटेगा नहीं, मगर हम संभव रखेंगे तो दुख जो आया है वो लाइफ लेकर आया है अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये साइंस बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये साइंस कोई थियरी नहीं है, ये साइंस कोई मैंने शब्दों से बता दिया आप समझ गए, ऐसा नहीं है। साइंस की गहराई में गहराइयों में जाइए। साइंस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और सिद्धांत के अंदर साफ बताया है हमको अज्ञानता को मिटाना है। यहाँ पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मन वचन काया की प्रकृति वो भी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ प्रकृति को सुधारना, बदलना, परिवर्तन करना, मेरी या दूसरे की, इसको यहाँ कोई स्थान नहीं है, और न ही हम इसको पुरुषार्थ मानते हैं उदय कर्म में जो भी है। तो इसीलिए विज्ञान समझते समय ध्यान में रखो कि हमारा दृष्टिकोण दोनों तरफ होना चाहिए। तो जैसे जैसे एक भाई ने मेरे को कहा कि स्वामी जी अगर मैं गलती नहीं देखूंगा तो मेरी प्रगति कैसे होगी, मैं बार बार वही गलतियों को दोहराते रहूंगा। मैंने कहा अगर आपको गलती देखना है तो आपको आपकी दृष्टि परमात्मा से हटा के, कुदरती कानून से हटा के प्रकृति की ओर ले जानी पड़ेगी, और वो दृष्टि तो आपको कई अवतारों से है ही, ये कोई नई बात नहीं है। हमको प्रकृति के ऊपर से दृष्टि हटा के वही प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखना, ये विज्ञान है, तभी तो हम परमात्मा में स्थिर रह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कई लोगों के प्रश्नों के आधार से आज मैंने थोड़ी बात शुरुआत में सभी महात्माओं की जागृति बढ़े और दृष्टि बिल्कुल क्लियर हो जाए स्पिरिचुअल साइंस में, इसीलिए मैंने थोड़ी जो बात मेरे परिचय में लोग आते हैं और लोगों का प्रश्न जो होता है पर्सनल फोन करके, तो उसके बारे में मैंने कॉमन आंसर दे दिया। हो सकता है यही आंसर और यही बातें लोगों को आगे बढ़ने में, समाधान प्राप्त करने में उपयोगी रहे। जय सच्चिदानंद। अशोक भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये ज्ञान मिलने से पहले
जो जो हमने कार्य, क्योंकि अज्ञान था, अज्ञानवश हमने जो जो कार्य किए हैं तो उसमें कारण शरीर तो बना होगा, क्योंकि हमने राग और द्वेष किए होंगे। तो अभी हमें वो, क्योंकि एग्जाम तो पूरी हुई नहीं है, अभी हम उसको जीरो करना है, तो कौन सी विधि से कर 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 पाएंगे? यही तो समझ, सिंपल समझना है। हर समय हमको शुद्धात्मा में रहना है, और हर समय अपनी प्रकृति और दुनिया की कोई भी प्रकृति को कुदरती रचना देखोगे, अपने आप ही ज्ञान खत्म हो जाएगा और जीरो हो जाओगे, रिलेटिव सत्य में जीरो हो जाओगे और सनातन सत्य में आप जीरो हो जाएंगे। हाँ बोलिए स्वामी जी। पहले किए हुए वो जो कहीं तो याद भी नहीं है, उसको कैसे मिटा है? क्या याद किया? वो जो राग और द्वेष किए हैं ज्ञान ज्ञान मिलने से पहले, इसको मिटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो कारण शरीर तो मिटाने की जरूरत स्पिरिचुअल साइंस में नहीं है। अच्छा, खाली शुद्धात्मा में रहने से स्पिरिचुअल साइंस वो अज्ञान को मिटाने के लिए है। हाँ, तो वो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, आपका कहने का वो भाव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर कर्मों का नाश, एक मिनट, अगर कर्मों का नाश ही करना है तो फिर राम कृष्ण महावीर को लास्ट बर्थ में इतनी भुगतान क्यों आई? अच्छा, क्यों आई पहले बता। अच्छा मत बोलो, उत्तर दो। हाँ। बताइए स्वामी जी। नहीं, आपको बताना है, मैंने प्रश्न किया है आपको। थोड़ा इंटरनेट से मैं समझा नहीं, जरा फिर से बताएंगे स्वामी जी? मैंने क्या कहा कि राम कृष्ण महावीर को जो लास्ट बर्थ था इसमें इतनी सारी भुगतान क्यों आई? क्या उनके पास अगले अवतारों में अपनी गलतियों को मिटाने के लिए प्रतिक्रमण करने का ज्ञान नहीं था इसीलिए आया? आपको उत्तर देना है। मुझे तो क्या मैं उत्तर दूंगा उसको, तो होगा ही। हाँ, तो फिर भुगतान क्यों आई? क्योंकि एक बार पद जो आ भजन माल में दादा भगवान ऐसा बोलते हैं कि ये पद बार बार गाना ताकि हमने जो भी गलतियां की है वो गलतियां दूर हो जाएगी। तुम बीच में और कोई बातें क्यों लाते हैं? हम यहाँ अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत की बात करते, तो सिद्धांत से बात करो ना। हेलो, सुनाई देते कर देते बार बार, सुनाई देता है मेरे को। तो आपका कहने का बात है कि अभी अभी जो ज्ञान मिला है वही दृष्टि रखेंगे तो अगले जो पुराना वो खाता है वो तो चुकाना ही है अगले जन्म में, जैसे महावीर। नहीं, जितने भी समर्थ पुरुष थे, जितने भी समर्थ पुरुष थे उन्होंने प्रतिक्रमण और सामायिक जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मगर उसके अंदर जो अज्ञान था उसको मिटाने में ध्यान दिया तो अज्ञान सब मिट गया, मगर जो कर्मचार्य किए थे अज्ञान मिटने से पहले। अच्छा। वो सभी की भुगतान लास्ट बर्थ में आई, मगर अज्ञान नहीं था तो वो भुगतान भुगतान नहीं लगी और मोक्ष में गए। अच्छा अच्छा, समझ गया स्वामी जी प्रश्न का समाधान। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, आ गया, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी। समझ में आना चाहिए। यस यस, समझ गए।
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हेलो जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद स्वामी जी हाँ मैं बेंगलुरु से सुधा बोल रही हूँ वॉइस ठीक तरह से नहीं आ रहा है स्वामी जी ठीक नहीं आ रहा है एक मिनट अभी आ रहा है हाँ हाँ आ रहा है हाँ आ रहा है स्वामी जी हेलो बी हाँ वो मेरा क्वेश्चन ये है ये कलयुग का असर जो हम कर्म बांधने के लिए अभी कलयुग में मन बुद्धि चित अहंकार वो एकता में नहीं है तो कर्म बांधने के लिए वो कैसे अफेक्ट करता है क्या प्रतिष्ठित आत्मा को कलयुग के असर होता है मन वचन काया कि जब वननेस नहीं होती है तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास खत्म हो जाता है और वही राग द्वेष और कसायों का कारण बन जाता है आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए स्वामी जी जैसे सतयुग में एक दूसरे के ऊपर लोगों को विश्वास होता है काम होता है तो भी विश्वास होता है गलत होता है तो भी विश्वास होता है क्योंकि उसको मालूम है कि मन वचन का है कि एकता होने के नाते उन्हें प्रयास तो किया होगा शायद सफलता निष्फलता हो सकती है मगर कलयुग के अंदर मन वचन काया की वननेस न होने के कारण पति पत्नी को भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि बोलेंगे कहीं सोचेंगे कहीं और करेंगे कहीं हाँ। तो भी हेलो हेलो आवाज नहीं सुना दे मेरे को आवाज नहीं सुनाई दिया स्वामी जी बीच में कट गया आ रही है हाँ अभी आ रही है ओके तो मन वचन काया नहीं वननेस नहीं होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है हाँ सो हर व्यक्ति सेल्फिश हो जाती है क्या हो जाती है सेल्फिश हाँ सतयुग में दुनिया ट्रस्ट से चलती थी विश्वास से चलती थी गलती तो हो सकती थी सभी की हाँ। गलती हो सकेगी मगर विश्वास हाँ। था और इसीलिए ब्लेम और क्लेम नहीं करते थे और इसीलिए हाँ। राग द्वेष भी कम होते थे कसाय भी कम होते थे और कर्म हाँ। सब माइल्ड बनते थे अभी तो हाँ। हमारे नजदीक के जो संबंध होते हैं माता पिता के भाई बहन के पति पत्नी के हाँ। वो भी इतने राग द्वेष और कसाय वाले होते हैं कि जितना कसाय हम दुश्मन से नहीं करते हैं इससे ज्यादा कसाय हम पति पत्नी के साथ करते हैं हाँ सही और स्वामी जी आप समझे हाँ हाँ ये बात समझ गए लेकिन समझे आप हाँ ये डिस्चार्ज में तो मन वचन का या एकता नहीं है क्या चार्जिंग में उसका असर नहीं नहीं, नहीं। मैं वही कहता हूँ के डिस्चार्ज में नहीं है वो बराबर है मगर वो आज हम जो व्यवहार देखते हैं वो व्यवहार तो एक दूसरे का डिस्चार्ज ही तो देखते हैं हाँ, इसी से तो अनुमान करते हैं चार्जिंग का हाँ, हाँ, हाँ। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पर राग अगर द्वेष करते वो भी डिस्चार्ज के आधार से तो करते हैं हाँ, हाँ। हाँ, ये बात समझ में आ गया स्वामी जी एक मिनट तो इसीलिए मैं यही गलती को पूरा समाप्त करने के लिए मन वचन काया की एकता मेरी भी नहीं है और अभी कलयुग में कोई भी व्यक्ति की नहीं है
मगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अध्यात्म विज्ञान ने सॉल्यूशन बताया, और ये सॉल्यूशन ऐसा बताया कि मन वचन काया तुम्हारा है या दूसरे का है, उनको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखो, कर्ता भाव मालिक की भाव से मत देखो। दैट इज द ओनली बेस्ट गुड एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन। स्वामी जी, अभी हम डिस्चार्ज में जो मन वचन का या एकता नहीं है, उसके कारण हमारा चार्ज में भी वो क्या नेक्स्ट जन्म के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार एकता नहीं रहती है, इसके कैसे वो बांधावन ऐसा होता है कि मन बुद्धि चित्त वो एकता कैसे नहीं बनती जब चार्ज में, क्या वो ऐसे ही बांधता है, किस रूप में बनता है? वही बनता है। हमारे चार्ज में भी जो डिस्चार्ज में हो रहा है, इसको आप जैसी दृष्टि से देखते हो वैसे ही आपका चार्जिंग होगा। हाँ, तो दृष्टि में क्या वहां आप, भी आप देखो, एक कोई भी आप देखो, एक मिनट आप देखो, कोई व्यक्ति क्या करता है आज सोशल में, अभी प्रैक्टिकल बात करूं आपको, आज लोग क्या कहेंगे, भाई किसी के साथ बात करते हैं तो छोड़ दो ना उनको, भले वो गलत करते हैं उसको छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में तो मालूम है कि वो गलती कर रहा है, मगर इसको छोड़ देते हैं। मगर गलती किया है वो मानते भी अंदर है, मगर बाहर बोलते नहीं है, व्यवहार नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसी सोच जो है वो कर्म भी ऐसा मन वचन काया की वननेस के बिना ही बनेगा। क्योंकि आपकी सोच भी वही है, आपकी सोच भी वही है। आपने क्या कहा, आपकी सोच क्या है, अभी वर्तमान के लोगों की सोच क्या है, कोई व्यक्ति गलती करता है तो छोड़ दो, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, ये गलत बात है, मुंह से नहीं बोलेगा, क्रिया से नहीं करेगा, तो वननेस तो नहीं रहेगी। तो और इसको सही अंदर भी नहीं है तो चार्जिंग कैसा होगा, वही होगा ना। यानी जो भी अपना बाहर का व्यवहार है उसको समर्थन करके वो सही बोलने से वो फिर से वही चार्ज करता है कि वननेस नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आपका और दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को जब कुदरती रचना रूप देखोगे वही तो आपको वननेस रहेगी। हाँ, डोंट रिक्वायर द डिटेलिंग ऑफ योर माइंड स्पीच एंड एक्शन एंड द अदर्स। यही एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारे लिए आज बचा है, और कोई सॉल्यूशन हमारे कलयुग में और कोई नहीं है। आप कहोगे कि मैं मन वचन काया को देख के मैं वननेस लाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसको राग और द्वेष कर सकते हैं, राग द्वेष कर सकते हैं, वननेस नहीं ला सकते हैं। वननेस तो इससे ही होगा, कुदरती रचना देखने से ही वननेस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। सेपरेशन से हम वननेस, यानी कुदरती रचना है ये प्रकृति का भाग है, ऐसे देखने से वननेस का होता है। हाँ, क्योंकि क्यों वननेस आएगा इससे, क्योंकि आप जो देखते हैं कुदरती रचना, वो कुदरती रचना वास्तव में फैक्ट है और वही तो सॉल्यूशन है। अगर मैंने किया, आपने किया, उन्होंने किया, ऐसा मानता हूं, वही तो अज्ञानता है। तो अज्ञानता से वननेस कैसी आएगी? सही। तो और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं किसी के पास, किसी के पास नहीं है। और इसीलिए दुनिया का कोई भी धर्मगुरु कोई भी धर्म की बात करेगा तो उसमें पाप पुण्य जरूर आएंगे, मगर वननेस की बात नहीं आएगी। और अज्ञान मिटाने की बात भी नहीं आएगी, सिर्फ पापों से बचे और पुण्य करे यही बात आएगी। और यहाँ विज्ञान में
पाप और पुण्य दोनों को गौण करके सनातन सत्य का उपयोग करके ये कर्मों को मिटाते समय अंदर संभाव रहेगा और मन वचन काया में अपने आप वननेस का बीज पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, तो उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है ये अच्छा है ये बुरा है। न व्यक्ति के प्रति राग द्वेष है, न चीजों के प्रति राग द्वेष है। और एक प्रश्न स्वामी जी, ये बुद्धि, जो बुद्धि हम वो हमारे डिस्कशन में ऐसे हुआ, किशोर भाई आए थे, वो किशोर भाई ने ऐसा कहा कि बुद्धि चार्ज करने में भी बुद्धि ही रोल करते हैं, क्या बुद्धि चार्जिंग में उसका रोल इम्पोर्टेंट है या कि ज्ञान दर्शन? हाँ, बताओ बताओ। मैं देखो, बुद्धि तो है ही, मगर बुद्धि सबके पास मनुष्य भाव में बुद्धि ही है। मगर बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक मिथ्या बुद्धि, एक सम्यक बुद्धि। मिथ्या बुद्धि संसार का बेनिफिट एंड लॉस देखता है, और सम्यक बुद्धि अज्ञानता को मिटाने में और सनातन सत्य की अनुभूति करने में इम्पोर्टेंट देता है। मगर दोनों के लिए बुद्धि चाहिए, संसार बढ़ाने के लिए भी बुद्धि चाहिए और संसार को समाप्त करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तो कहने का मतलब बुद्धि तो दोनों में है, मगर यहाँ मिथ्या बुद्धि है जिससे संसार बढ़ता है, यहाँ सम्यक बुद्धि है जिससे संसार धीरे धीरे समाप्त होता है। तो ये सम्यक कहेंगे या मिथ्या कहेंगे? हाँ, ये बुद्धि डिस्चार्ज में जो बुद्धि है उसके बारे में आप बोल रहे हैं ना स्वामी जी? और नहीं, पुरुषार्थ की बात करता हूँ। पुरुषार्थ में जो बुद्धि वो बनता है कि वो सम्यक है? अगर आप विज्ञान का उपयोग करते हैं तो आपकी बुद्धि अपने आप सम्यक हो गई। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है सम्यक बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि चित अहंकार तो प्रतिष्ठित आत्मा में जहां तक अज्ञान है वहां तक रहेगा ही, ओनली लास्ट बर्थ में नहीं होगा। हाँ, तो बुद्धि तो रहेगी, मगर बुद्धि ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद सम्यक हो जाती है, और विज्ञान नहीं है तो मिथ्या रहेगी। हाँ, नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा के पास जो मन बुद्धि है वो वहाँ प्रोसेसिंग फैक्ट्री जैसे वो मन का बंदावन होता है ना, और डिस्चार्ज में बुद्धि है उसके आधा और संजोग और आपका वर्तमान ज्ञान और पिछला डेवलपमेंट के आधार पे वो सार निकाल के जो ज्ञान दृष्टि के आधार पे आपका प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञान हाँ बोलिए बोलिए ज्ञान दृष्टि के आदि चित्त अहंकार। हेलो, बीच में मेरे को मतलब मालूम नहीं हुआ। हाँ, मैं फिर से बताती हूँ। अभी वो डिस्चार्ज में जो संजोग में पिछले डेवलपमेंट और आज का ज्ञान ये देखकर जो ज्ञान दर्शन आपका प्रतिष्ठित आत्मा में है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का ज्ञान दर्शन के देख के संजोग और वर्तमान संजोग को देख के वो अपना भाव बनाता है। हाँ, तो भाव बनाने के लिए अंतस्करण में जो प्रोसेस होती है उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही प्रोसेस होती है, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है या तो विज्ञानी है। हाँ, तो मेरा ये प्रोसेसिंग फैक्टरी सभी के पास एक ही प्रकार की है, चाहे मिथ्या है चाहे सम्यक है, मगर द फैक्टरी इज द सेम। हाँ, वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में वो मन और बुद्धि का प्रोसेस बन के वो मन बुद्धि बनता है ना स्वामी जी वहाँ?
वहां मन बुद्धि बनता नहीं, वहां मन बुद्धि का रोल होता है, प्रोसेस होती है, प्रोसेस। अच्छा, वो वहां भी प्रोसेस होती है उसमें, प्रोसेस। प्रोसेस वो भाव बनाने के लिए प्रोसेस बनता है। हाँ, भाव बनाने के लिए प्रोसेस बनते हैं। यार राइट राइट। तो एक प्रोसेस बनता है, फिर से एक बुद्धि भी फॉर्म होती है। हाँ, तो एक प्रोसेस बिना प्रोसेस तो पुरुषार्थ नहीं होगा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, वो वहां एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री में बुद्धि वहां काम करती है, और बुद्धि का नेक्स्ट जन्म के लिए डिस्चार्ज के लिए वो बुद्धि भी रेडी होता है। दो दो काम होता है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर वहां। हाँ, चारों चीज प्रोसेस में होती है, मन बुद्धि चित अहंकार, चारों चीज तैयार होती है, नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज के रूप में आएगी। हाँ, तो वो चारों चीज, एक नहीं, चारों चार। हाँ, चारों चार वो प्रोसेसिंग भी करती है, और वो बुद्धि का फॉर्मेशन या मन बुद्धि चित वो सब फॉर्मेशन भी होता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है बताऊ मैं आपको, कि मन बुद्धि चित अहंकार में प्रोसेस होती है। ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या है? स्पीच एंड एक्शन का बीज पड़ता है। हाँ, और वो बीज नेक्स्ट बर्थ में स्पीच एक्शन के फूक में फॉर्म में बाहर निकलता है संजोगों के आदि, और अंदर होती है जो प्रोसेस चार्ज हुई थी वो अभी प्रोसेस डिस्चार्ज होती है। हाँ। तो आपका एक संजोग में जब आप एक संजोग को देखते हैं तो बाहर का डिस्चार्ज बुद्धि भी चलती है वो, और अंदर का बुद्धि भी चलती है। इसमें हमको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं स्वामी जी? बाहर की बुद्धि है वो मैकेनिकल होती है, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। अंदर की बुद्धि है सब्जेक्ट टू योर ज्ञान एंड दर्शन। और सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस से वो मैकेनिकल होती है, मतलब आप उपयोग करो या ना करो इट इज कंपल्सरी। और आपका जो ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित जो है मन बुद्धि चित अहंकार, वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है कि आपके ज्ञान दर्शन का किस प्रकार से आप उपयोग करोगे। अगर ज्ञान दर्शन है मगर उपयोग नहीं करोगे तो उसी प्रकार की प्रोसेस होगी, उपयोग करोगे तो इसी प्रकार की प्रोसेस होगी, उपयोग बहुत गंभीरता से करोगे तो उसी प्रकार की प्रोसेस होगी। वो डिपेंड ऑन यू, क्योंकि ये पुरुषार्थ की बात है। मगर जब डिस्चार्ज अंतरस्करण में आपके कोई चलता नहीं है, जिस प्रकार से आपने लपेटा है मन वो ही अच्छा बुरा विचार लेके निकलेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। तो क्या खराब विचार आएंगे तो आएंगे ही, खराब विचार आएंगे तो आएंगे ही, बुद्धि भी गलत डिसीजन लेगी तो लेगी ही। उसमें आज का ज्ञान दर्शन काम में नहीं आता है। हाँ। जो लोग मोक्ष में जाने वाले थे और मोक्ष में गए उसी अवतार में, और वही युधिष्ठिर जुगाड़ रमने के लिए बैठ गया, क्यों बैठ गया बिना बुद्धि बैठा उसका? हाँ, नहीं, बिना बुद्धि बैठा कर्म का उसका कर्म। हाँ, पर वो कर्म के अंदर बुद्धि थी कि नहीं थी? हाँ, तो वो चार जो डिस्चार्ज बुद्धि, कौन सी बुद्धि? डिस्चार्ज बुद्धि थी। तो डिस्चार्ज बुद्धि में हमारी चलती है कुछ? नहीं चलती है। तो आपको डिफरेंस मालूम हो गया ने, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड डिस्चार्ज बुद्धि? तो हमारे जिसमें हमारा चलता ही नहीं है वो डिस्चार्ज है, और जिसमें हमारा चलता है वो चार्ज बुद्धि है। स्वामी जी, इसको हम एक एग्जांपल के किसी एक संजोग में कैसे वो बता सकते हैं
कि मुझे डिस्चार्ज का बुद्धि वर्क हो रहा है कि चार्ज का कैसे डिफरेंशिएट करें। आज आज हमको पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर प्रेम आता है या कभी द्वेष भी होता है संयोग के अधीन। हाँ, मगर हमको हमको चार्ज बुद्धि से मालूम है कि ये कुदरती रचना है और इसीलिए राग में राग नहीं करते, द्वेष में द्वेष नहीं करते हैं, मगर डिस्चार्ज फॉर्म में तो निकलेंगे ही। हाँ, मगर पुरुषार्थ में राग द्वेष नहीं करेंगे क्योंकि हम कुदरती रचना देखेंगे। हाँ, ओके। हेलो, नहीं समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ समझ में आ गया स्वामी जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया स्वामी जी। जैसे आपने आपके पति ऊपर, बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर राग किया या द्वेष किया ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, वो डिस्चार्ज था। मगर उस समय अंदर आपने ये विज्ञान का उपयोग करके उसी अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखा तो पुरुषार्थ में न राग बना न द्वेष बना। हाँ, तो डिफरेंशिएट हो गया ना। हाँ, तो वो राग द्वेष डिस्चार्ज का के साथ हम जुड़ गए तो ही वो चार्ज का हो जाता है, तो चार्ज हो जाएगा, जुड़ गए तो फिर चार्ज हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए इसीलिए मैं सत्संग में बार बार क्यों समझाता हूं कि हमको मन वचन काया को टच नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, इसको सुधारना नहीं है, इसको बदलना नहीं है, अगला पिछला देखना नहीं है। क्यों ये बात करता हूं? क्योंकि उसकी वैल्यू ही जीरो करनी है हमको। हाँ, फिर आप कहोगे कि 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, 25 साल पहले का मैं गलती किया देखूं ना देखूं? अगर देखोगे तो आपको प्रकृति में ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यस और नो? हाँ, सही बात। और मैं उसी के लिए मनाई करता हूँ कि प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना है, उसकी वैल्यू ही जीरो करना है। हाँ, जो भी है हमारी दृष्टि में वैल्यू जीरो करना है, चाहे कोई भी भयंकर कर्म हमने चार्ज किया है मगर देखना नहीं है। हम भुगतान करने के लिए तैयार है, मगर जब भुगतान करेंगे तो हम अपने शुद्धात्मा पद में रहेंगे और उसी अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, खत्म हो गई। यही वितरागों का मार्ग है। फिर देखने की क्या आवश्यकता है? हाँ, और इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूं क्योंकि ये साइंस ऐसा है ने जो अभी तक न किसी ने पढ़ा है न किसी ने सुना है, और इसीलिए लोगों को बार बार ये याद आ जाता है कि कैसे भी करके हम प्रकृति में इन्वॉल्व होए, चाहे सामायिक के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से, सुधारने के माध्यम से, बदलने के माध्यम से, मगर कैसे भी करके हमको प्रकृति में इन्वॉल्व होना है और मैं वो नहीं कर देना चाहता हूँ, मैं वो नहीं करवाना चाहता हूँ। तो प्रश्न तो होंगे ही, प्रश्न तो होंगे ही, क्योंकि आज तक कितने अवतारों से आपकी प्रकृति और सोच उसी से बनी हुई है। कैसे भी करके प्रकृति को बदलू, प्रकृति को सुधारू, प्रकृति को परिवर्तन करू, मेरी या दूसरे की, यही सोच से हमारा माइंड, जो हमारा मन है, उसी सोच से भरा हुआ है। और इसीलिए मेरे को निकालते निकालते बहुत श्रम होता है, परिश्रम होता है। जय सच्चिदानंद। ओके, जय। और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं, जय। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। इंग्लिश में जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बात बिल्कुल करेक्ट है कि अनुकूल जब संयोग होते हैं, अनुकूल संयोगों में बिल्कुल एक नशा होता है, उसमें इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। अब प्रतिकूल संयोग में जरा भी कुछ आता है प्रकृति में तो एकदम से उसका सॉल्यूशन मानते हैं हम लोग, उसी का सॉल्यूशन, मतलब इतना टाइम जो चला गया हो, जो अच्छा वो आराम से चला गया नशे में, उसकी तरफ तो कभी इस तरफ प्रश्न ही नहीं उठा, मतलब इस तरफ आते ही नहीं हम लोग। लेकिन प्रतिकूल में फिर वो मांगते हैं समाधान इसका, तो एकदम से गलत बात, ये तो एकदम से समझ आ रही है ये बात ना, कि सॉल्यूशन जो मांग रहे हैं हम ये इसी का। लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही कुदरती रचना है। अगर हर चीज को, चाहे पसंदगी का हो या नापसंदगी का हो, अगर हर चीज को हम कुदरती रचना करके ही देख रहे हैं तो फिर बातें खत्म हो जाती है। वही तो बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी 90
क्योंकि हमारे विज्ञान में अपनी दृष्टि से प्रकृति की वैल्यू जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है वैल्यू। ठीक है, तो फिर जीरो करना है तो व्हाई यू इन्वॉल्व? अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो अपने आप जीरो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। देखिए स्वामी जी, यही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ राइट, करेक्ट करेक्ट 100%। तो स्वामी जी, आप जो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है कैरी फॉरवर्ड होती है, जन्म टू जन्म से जन्म डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होती है, तो क्या डिस्चार्ज में किसी का ये राग द्वेष और ये कम निकलते हैं क्या कषाय? उसको कुछ भी नहीं होता है प्रकृति से? वो मतलब थोड़ा मुक्ति होता है, सुनते ही ओपनर कोई मिलता है और एकदम से उसको समझ जाता है बात, क्योंकि ऐसा भी होता है डिस्चार्ज में, मतलब ऐसा भी होगा ना अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो डेवलपमेंट, तो अज्ञान उसका होगा ही नहीं ना उसके अंदर, तो कम होगा, ऐसा भी है? नहीं, आपका प्रश्न अभी समझ में नहीं आया। प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। मतलब आप बताते ना कि डेवलपमेंट जो है कैरी फॉरवर्ड होती है बर्थ टू बर्थ, तो जो डिस्चार्ज में आज हम प्रकृति के साथ इतना इन्वॉल्व है, सॉल्यूशन भी इसी का मांगते हैं कि क्योंकि इससे तो, लेकिन जो डेवलपमेंट वाला व्यक्ति है तो उसको मतलब कुदरती रूप से ही उसके अंदर ये सब राग द्वेष और कषाय वगैरह निकलते हैं, या तो उसके कम ही निकलते हैं, है तो पिछले जन्म का डिस्चार्ज, लेकिन वो आज एकदम से वो सुन के ओपनर जैसे उसको कोई मिला, अनुभवी मिला, तो एकदम से वो एक बात को समझ के ये सब छूट जाता है, उसका निकलेगा ही नहीं। तो डिस्चार्ज ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म का वो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इस जन्म में नहीं निकल रहा उसका, क्योंकि शुरू में तो वो इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। आप साइंटिस्ट हो के क्यों इतना ऐसा प्रश्न करते हैं? तो फिर राम ने लड़ाई क्यों किया अज्ञान नहीं था तो भी? हाँ, लेकिन उनको अंदर तो ज्ञान था ना उनको, तो मैं अंदर ज्ञान तो, आपको तो बाहर का प्रश्न करते हैं, आप प्रश्न बाहर का करते हैं। हम तो बाहर का करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको उत्तर दे दिया कि बाहर तो राम ने तो युद्ध किया और अंदर तो अज्ञान नहीं था, तभी तो मोक्ष में गए। हाँ, तो साइंटिस्ट को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि अज्ञान अंदर अज्ञान खत्म होता है तो बाहर का परिवर्तन होता है, वो सब्जेक्ट ही कभी मत लाओ, क्योंकि बाहर के मन वचन का जन्म से मौत बिफोर यू बॉर्न इट इज प्री डिसाइडेड एंड टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। सो इसमें परिवर्तन आना न आना वो हमारे पुरुषार्थ का सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं, आते ही नहीं, करेक्ट। हाँ, मगर ये बातें मैंने कहीं बार कितनी बार कहा है कि नहीं कहा है? हाँ जी कहा है स्वामी जी, कहा है आपने जी। तो फिर जी, तो यहाँ पे सिंसियरिटी और ऑनेस्टी जो आप बात कर रहे हैं, सिंसियरिटी किसको बोल रहे हैं इसमें? सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? अभी जो आप लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, ये विज्ञान सुन रहे हैं, वो कानों से तो सुन रहे हैं, बुद्धि से तो समझ रहे हैं, मगर आपका विजन जो साइंटिफिक होना चाहिए और ना बेस ऑफ प्रिंसिपल, वो नहीं होता है। अच्छा, अगर एक बार साइंस फिट हो गया तो फिर आप प्रकृति के बारे में जो प्रश्न करते हैं या प्रश्न उठते वो रहेंगे ही नहीं। अच्छा, क्योंकि जो प्रकृति मैकेनिकल है, कुदरती रचना के रूप में अधीन है, परिवर्तन होने वाली ही नहीं है, तो उसके बारे में प्रश्न करने से क्या फायदा? अच्छा, राइट। ये प्रकृति के प्रश्न कौन करेंगे? सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति है वो करेंगे, क्योंकि उनको प्रकृति बदलनी है। हाँ, हमारे को तो शून्य करना है। हाँ, हमको शून्य करना है इसको। जी, और इसीलिए अच्छी बुरी वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छी नहीं है, वो भी सब्जेक्ट नहीं है, बुरी है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, राइट।
और इसीलिए हमारे ज्ञान के पुरुषार्थ से बाहर की प्रकृति बदल जाएगी, वो तो सब्जेक्ट आएगा नहीं। नहीं, वो तो डिस्चार्ज है तो पुरानी आ रही है, अभी तो डिस्चार्ज है तो वो तो पुरानी निकल गई उसमें तो, और डिस्चार्ज का भाग तो कुदरत के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है वो तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मन वचन काया क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, राइट जी। और इसीलिए मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा तो मेरी मेरा उदय कर्म चेंज हो जाएगा, वो तो सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। अच्छा राइट, अच्छा अच्छा समझ आई, पकड़ में आई बात स्वामी जी, समझ में आई बात। ये जो आपने कहा कि मन वचन काया की एकता का जो प्रश्न उठा था अभी, तो उसमें जो सोच की बात कर रही थी, क्योंकि सोच भी वैसी होगी कि हम किसी को दूर कर देते हैं, लेकिन सोच वैसी होगी तो वैसे ही कर्म बनेगा। वो पुरुषार्थ के अंदर जो आपका ज्ञान और दर्शन रहेगा, हाँ, उसी के मुताबिक, हाँ, आपका नया चार्जिंग होगा, नया चार्जिंग होगा सोच, क्योंकि सोच भी वैसी होगी। दर्शन के आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक नया कर्म चार्ज होगा, आपके मन वचन काया, हाँ, के मुताबिक नहीं, ज्ञान दर्शन के, ठीक है राइट, ज्ञान दर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है स्वामी जी, ठीक ठीक समझ आई बात, ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, एकदम से क्लियरिटी होगी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवा, अबे जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपने 5 मिनट रिसेस पाड़ो जरा। ઓકે, મને થયું આજે બ્રેક ઘણો મળી ગયો એટલે, ના એમ નહીં, બરાબર છે, હા બરાબર, હું તો અહીંયા નહીં જ બેઠેગા। उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान मेरे को मुक्ति के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। स्वामी जी, हमें कोई व्यवहार में ये कहे कि तुम्हें इस ज्ञान से, इस सत्संग से, इस अध्यात्म विज्ञान से क्या अनुभव हुआ, तो हम किस अनुभव को शेयर करना चाहेंगे? उनको यही कहना है कि मेरा अनुभव काफी सिंपल है और सरल है कि मैं मैक्सिमम संजोगों में शुद्धात्मा का लक्ष्य मेरे को रहता है, और मन वचन काया मेरा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को कुदरती रचना के रूप में देखने का मैक्सिमम में प्रयास करती हूँ, और यही मेरा अनुभव है। ठीक समझी। अगर आपने ये जानना चाहती थी, अगर आपने आपके मन वचन काया और दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को जब कुदरती रचना के रूप में देखा, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, संभव करने की जरूरत, वही तो संभव है। आप समझे ना, वही तो संभव है स्वामी जी। आपने जो आपने स्वामी जी बहुत अच्छे से माना कि आपने जो ये वाली बात बताई कि मेरा मन वचन काया कुदरती रचना है सामने वाले का, इससे इतने ज्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं कि कभी ना मन के अंदर प्रश्न उठते हैं ना कभी दुविधा रहती है, और जो हमने जगत को निर्दोष देखने वाला कंसेप्ट है वहां से क्लियर हो जाता है हमारा। बहुत अच्छा आपका विजन है स्वामी जी। मैं ये जानना चाहती थी कि अवस्थाएं निरंतर 48 मिनट तक कुदरती रचना के रूप में दिखे तो 12वें गुण ठाणे में जाता है, वह छाया समकित है, तो किस अवस्था की बात करते हैं स्वामी जी आप? कोई भी मन वचन काया की तीनों की। स्वामी जी, मन वचन काया की अवस्था बैठ के, मतलब बैठ के हम बैठ के देखें क्या, मतलब कैसे आप समझो? बैठो, सो जाओ या चलो, वो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का काम है, बैठने का, सोने का, चलने का, ये प्रकृति का काम है। हमको प्रकृति को ही हो गई है, चाहे वो बैठी है, चाहे काम करती है, चाहे नहीं करती है, मगर प्रकृति को ही कुदरती रचना के रूप में देखना है। प्रकृति की कौन सी अवस्था है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो स्वामी जी, यहाँ 48 मिनट का ही क्यों, जब वो विजन में सेट हो जाती है तो वो तो निरंतर ही दिखती रहती है।
ये नेचुरल साइंस 48 मिनट की बात कैसे आई? मैं आपको साइंस को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कुदरत का कानून है कि 48 मिनट अगर आपको ये कुदरती रचना दिखेगी तो अपने आप केवल दर्शन हो जाएगा, और अगर 48 मिनट अगर आपका ज्ञान शुद्धात्मा में स्थिर रहेगा तो केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा और फिर बाद में केवल ज्ञान होगा 48 मिनट शुद्धात्मा में रहेगा। तो यहाँ कुदरती रचना देखोगे तो केवल दर्शन होगा, शुद्धात्मा में रहोगे तो केवल ज्ञान होगा, और ये 48 मिनट का कानून कुदरत का है, मेरा नहीं है, मैंने तो हाईलाइट किया है। तो जो स्वामी जी आपने जो शुद्ध आत्म पद जो अज्ञान निकालकर जो ज्ञान दृष्टि में बिठाया, तो ये केवल ज्ञान का बीज नहीं था, ये फिर किसका बीज था? केवल ज्ञान का बीज तो दर्शन के बाद होता है, अभी केवल ज्ञान का बीज नहीं है। अच्छा, अगर आपने कहा कि ज्ञान लेने के बाद केवल ज्ञान का बीज हो गया तो फिर फल नक्की हो गया, फिर पुरुषार्थ की जरूरत कहाँ है? हाँ। अगर आपने ऐसा माना कि मैंने ज्ञान ले लिया है तो केवल ज्ञान का बीज हो गया तो फिर फल तो आने वाला है, फिर पुरुषार्थ की जरूरत कहाँ है? तो ये सब भ्रांति है, ये भ्रांति है, बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान का बीज होता ही नहीं है। और केवल दर्शन तभी होगा जब हम हर अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान में कोई ऑप्शन नहीं होता है, रामकृष्ण महावीर को भी यही विज्ञान को फॉलो करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन इस वर्ल्ड में नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा ये अंतिम और सनातन सत्य विज्ञान है, उसके ऊपर कोई विज्ञान नहीं है, सिर्फ अनुभूति बाकी रहती है बस। स्वामी जी आपने एक दूसरी बात बोली थी कि प्रमाद वह हमारी कमी, एक मिनट, इसके नीचे का ज्ञान हो सकता है, ऊपर का ज्ञान नहीं हो सकता है, नीचे का हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी मैंने तो ज्ञान लिया है, अभी 5 आज्ञा का पालन करने का कि नहीं करने का पुरुषार्थ करने के लिए, तो मैंने साफ बोल दिया कि ये आज्ञा धर्म जब विज्ञान नहीं समझ में आता है उसके लिए आज्ञा धर्म है, जब विज्ञान समझ में आता है तो आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान नहीं समझ में आता है तभी तो आज्ञा है, तभी तो सत साधन दिए है, नहीं तो क्यों देंगे आपको? तो ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी एज अ साइंटिस्ट कि ज्ञानी पुरुष ने ये सब कुछ क्यों दिया, क्योंकि आप विज्ञान नहीं समझ पाए तो उन्होंने आज्ञा धर्म भी दिया, सत साधन भी बताया आपको, क्योंकि आप विज्ञान नहीं समझ सके इसीलिए। और जब आपको विज्ञान समझ में आ गया तो फिर यह उदय कर्म हो गया, आज्ञा का पालन करो या ना करो, या तो सत साधन का उपयोग करो या ना करो, दोनों कुदरती रचना में चला गया, अभी वो आपका पुरुषार्थ सब्जेक्ट नहीं रहा, अभी आपका पुरुषार्थ रहेगा मैं शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, ये आपका पुरुषार्थ रहेगा, बाकी जो भी है वो उदय कर्म है। समझ में आया? ठीक है स्वामी जी। हाँ, नहीं तो फिर वही का वही पसंद रहेगा, नहीं तो फिर एक महात्मा ने बताया था, एक महात्मा ने मेरे को बताया था आज से करीब 7 साल पहले कि स्वामी जी ये हम बिना आज्ञा मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसा एक व्यक्ति ने बताया प्रश्न, बड़ोदा की व्यक्ति, बिना आज्ञा मोक्ष में जा सकते हैं, तो मैंने उसको सिंपल प्रश्न किया, जो भी लोग मोक्ष में गए वो आज्ञा से मोक्ष में गए, बताइए आप। हाँ बताइए। नहीं आप, मैं आपको प्रश्न करता हूं, महावीर मोक्ष में गए ये 5 आज्ञा से गए, राम मोक्ष में गए ये 5 आज्ञा से मोक्ष में गए? नहीं। तो बात को समझनी पड़ेगी ना,
कि ये किसके लिए है, जो व्यक्ति स्टेप के ऊपर है स्टेप के लिए है तो स्टेप के आधार से ये बात बराबर है, मगर जब आपको अल्टीमेट स्टेप पे आ गए फिर पिछले स्टेप के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत अच्छे से आगे स्वामी जी। आगे में ये कहना चाह रही थी, लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तरफ रिलेटिव सत्य है और दूसरी तरफ सनातन सत्य है, ये दोनों को मिक्स करने का प्रयास करते हैं, फिर पजल होता है। तो कभी कभी मेरे को बोलना पड़ता है, कभी कभी मेरे को बोलना पड़ता है कि डिसीज बाहर से लाते हैं और दवाइयां यहां ढूंढते हैं। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात में? हाँ स्वामी जी, अच्छे से समझ आई। और इसीलिए मैंने कहा कि भी अभी आपको जब अल्टीमेट मिल गया है तो बाकी कोई भी चीज आपको पढ़ने में आए सुनने में आए तो इसको संभाव से निपटारा करने का है, न कुछ उसमें से पाना है और न कुछ खोना है, सिर्फ इसको कुदरती रचना के रूप में देखते जाओ, क्योंकि आपको अल्टीमेट तो मिल गया है, फिर इसमें आपको रिलेटिव सत्य की बातों में चाहे पढ़ने में आए चाहे सुनने में आए डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाओगे तो फिर आपको पजल खड़ा होगा, क्योंकि उसमें रिलेटिव सत्य की बात है और हमने जानी है सनातन सत्य की, तो पजल तो होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कितनी बार कहा है सभी महात्माओं को कि भी जो व्यक्ति जो स्टेप की बात है वो स्टेप के आधार से उनकी बात सही है, मगर तुम आउट ऑफ स्टेप के ज्ञान जानते हो, अभी ये स्टेप की बात आपको पुरुषार्थ के रूप में जरूरत नहीं है, संभाव से निपटारा करना है और कुछ करना नहीं है, न सोचना है न समझना है न ही डीप में जाना है। और ये विज्ञान की बात कितनी सिंपल है, यहां कोई पजल है ही नहीं, कोई पजल नहीं है, तो फिर पजल वाली बात को क्यों आप रिसीव कर लेते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आती है। जो बातें सुन के हमको पजल खड़ा होता है वो बातें हम क्यों रिसीव करते हैं, जब आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल गया है तो पजल की बात भले आप पढ़ो या सुनो आपके उदय कर्म के अधीन, मगर इसको बाईपास करना है, ना उसमें से कुछ लेना है और ना कुछ देना है, सुना समाप्त हो गया संभाव से निपटारा, फिर दूसरी बात आई संभाव से निपटारा, ना कुछ लेना है खत्म हो गई बात, बस एंड, जैसे लाइफ का एंड हो गया वो बात का एंड वहां एंड हो गया, पढ़ी एंड हो गया सुनी एंड हो गया, अभी उसमें से कुछ निकालना नहीं है हमको, फिर वो उसमें से कुछ निकालोगे तो फिर पजल होगा। हर बात में यही होता है। एक भाई ने कहा कि भाई हम तो बचपन से पैदा हुए तब से मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं सुबह शाम हर रोज करते हैं और यही हमारी परंपरा रही है, तो क्या है विज्ञान समझने के बाद हम मंदिर में जाए या ना जाए? तो मैंने सिंपल बताया मंदिर में कौन जाता है, तो बोला चंदूलाल जाता है, तो बोला चंदूलाल का कंट्रोलर कौन है, तो बोला कुदरत है, तो मैंने बोला आपको सोचने की क्या जरूरत है कि जाओ कि ना जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से आगे स्वामी जी। तो लोग इसी प्रकार से पजल खड़ा कर देते हैं। हाँ, आगे स्वामी जी। पहले रिलेटिव सत्य में इन्वॉल्व हो जाता है फिर पजल खड़ा कर देते हैं। मैंने बोला क्यों इन्वॉल्व होते हो, रिलेटिव सत्य उदय कर्म के अधीन है तो भले करते रहो, आप मंदिर में जाते हैं तो जाते रहो, प्रश्न वो नहीं है आप जाओ या ना जाओ, प्रश्न ये है कि मंदिर में जाना मेरे लिए पहले पुरुषार्थ था अभी उदय कर्म हो गया खत्म हो गई बात, पहले मैं चरण विधि करता था मेरे लिए पुरुषार्थ था अभी उदय कर्म हो गया, पहले मैं कीर्तन भक्ति करता था पुरुषार्थ था अभी उदय कर्म हो गया, पहले मैं आरती करता था पुरुषार्थ था अभी उदय कर्म हो गया,
पहले मैं सामाजिक प्रतिक्रमण करता था, पुरुषार्थ था, अभी क्या हो गया विज्ञान में, उदय कर्म हो गया। तो भी उदय कर्म का प्रश्न करने का क्या मतलब है? हुआ या न हुआ, मगर जब उदय कर्म ही है, जब कुदरती रचना ही है, तो फिर प्रश्न करने का मतलब ही नहीं है ना। और इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान को डीपली समझने की अपने दृष्टि में सेट करने का प्रयास करो। सिर्फ शब्द तक मत जाओ, अपनी दृष्टि में उसको सेट करो ताकि वो दृष्टि अपने आप काम करे। अगर आप ये विज्ञान दृष्टि में सेट नहीं करोगे तो विज्ञान ऑटो मोड से काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये विज्ञान नॉलेज नहीं है। बिगिनिंग में जब पहली बार सुनते हैं तो वो नॉलेज के रूप में है, बराबर है, मगर ये विज्ञान जब बार बार सुनते हैं और उपयोग करते हैं तो फिर आपके लिए नॉलेज नहीं है, आपके लिए विजन है। और वो विजन को ही परफेक्ट करना है, भाषा को परफेक्ट नहीं करना है, विजन को परफेक्ट करना है, क्योंकि विजन से ही हमको उपयोग करना है, स्पीच से विज्ञान का उपयोग नहीं करना है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। कभी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलो बोलो। लेकिन दो दिन से ये प्रश्न मेरे माइंड में उठा है तो मैं पूछ ही लेती हूँ। स्टार्टिंग में जो आपने बताया उसमें से ही मेरा आधा जवाब तो मिल गया था और अभी क्लियर हुआ ज्यादा। प्रश्न है द्रव्य कर्म ना चश्मा एटले शू, द्रव्य कर्म के चश्मे का अर्थ क्या है? और वो ही चश्मे से जो दिखता है वो ही देखते हैं हम, और वो जो दृष्टि का उपयोग करते हैं शुद्धात्म दृष्टि और कुदरती रत्ना, तो हमारा देखने का जो परिमाण है वो बदल जाता है। तो आज जन्म माज ज्ञान दर्शन चोखू था है, तो द्रव्य कर्म के चश्मे बदल सकते हैं कि नेक्स्ट जन्म में ही बदलते हैं, और एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है? हाँ देखो, पहली बात सिंपल डेफिनेशन में जाओ, द्रव्य कर्म एंड भाव कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब होता है उदय कर्म, कुदरती रचना, मैकेनिकल। भाव कर्म का मतलब होता है कुसाद, दृष्टि, विजन। पहले लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाओ। कोई भी बात को विज्ञान से समझना है तो पहले प्रिंसिपल में जाओ, थियरी में मत जाओ। यू फॉलो द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल इज टू बी कॉल्ड एवरलास्टिंग। इट इज नॉट लाइक माय व्यू पॉइंट्स और योर व्यू पॉइंट्स, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो पहले द्रव्य कर्म का मतलब होता है उदय कर्म, जो उदय कर्म के अंदर जो आप लेकर आए हैं उसी के मुताबिक आपको दिखेंगे। पैदा होते ही मेरा नाम ये है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी भाई है, ये मेरा बहन है, ऐसा आप चश्मा लेकर ही आए हो, इसको कहते हैं द्रव्य कर्म का चश्मा। वो लेकर आए तो आपको भाई ही दिखेगा, दूसरे को भाई नहीं दिखेगा, मगर आपको भाई दिखेगा। आपको दिखेगा कि मेरा पति है, दूसरे को नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका चश्मा है, आपके लिए है, और वो मैकेनिकल है और उदय कर्म है, और वो लेकर आए तभी तो दिखता है आपको। जो आपको दिखता है वो दुनिया को दिखता है, वो जरूरी नहीं है। बराबर, आप समझे ना? हाँ, हाँ। तो द्रव्य कर्म का चश्मे का मतलब होता है हमारे खुद की बिलीफ जो लेकर आए हैं, और वो बिलीफ से ही हमारा व्यवहार चलेगा। बराबर। और भाव कर्म का मतलब होता है आज का मेरा ज्ञान दर्शन के आधार से मैं पुरुषार्थ करूंगा, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। आज का ज्ञान दर्शन के आधार से जो पुरुषार्थ होगा वही भाव कर्म होता है, निश्चित भाव कर्म नहीं होता है कभी। वही
भाव कर्म है वही भाव कर्म के नए चश्मे बन रहे हैं जो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में द्रव्य कर्म के चश्मा के रूप में काम करेगा। बराबर बराबर। और वो भाव कर्म के नए चश्मे जो बन रहे हैं वो हमारा शुद्धात्म दृष्टि और कुदरती रत्ना दृष्टि ज्ञान दर्शन के परिणाम से जो बनेंगे वो शुद्ध की बाजू जाएगा, आत्मा की ओर जाएगा, मुक्ति की ओर जाएगा। बराबर। तो ऑन द स्पॉट वो जो द्रव्य कर्म बनेगा उसमें वो ज्ञान परिणाम स्वरूप हाजिर रहेगा। मतलब पुरुषार्थ की बात करते हो या परिणाम की बात करते हो? आज का पुरुषार्थ, अगले जन्म में द्रव्य कर्म के चश्मे चेंज करेगा आज का भाव कर्म। हाँ, जो अगले जन्म आज का भाव कर्म वही तो नेक्स्ट बर्थ का द्रव्य कर्म हो गया ना। अच्छा, और उसमें वो ज्ञान दर्शन इम्प्लीमेंट होगा। आज का कॉज नेक्स्ट बर्थ की इफेक्ट हो गई। आज का कॉज नेक्स्ट बर्थ की इफेक्ट, आज का पुरुषार्थ नेक्स्ट बर्थ का परिणाम। बराबर। तो वो द्रव्य कर्म के चश्मे ज्यादा चौके हो गए ने, ज्ञान दर्शन ये जन्म में यूटिलाइज करने के बाद भाव कर्म के चौके होंगे जो नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य कर्म के रूप में आएंगे। बराबर बराबर बराबर। आज के पुरुषार्थ मेरे भाव कर्म के चश्मे करेक्ट होंगे जो नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य कर्म के रूप में रिजल्ट में आएगा। बराबर। अच्छा, और इसीलिए बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान को कोई रोग नहीं होता है, चरम शरीर होता है वो, इसी हिसाब से कि उनके द्रव्य कर्म के चश्मे चुके ज्यादा चौखे होते हैं, कर्म की भुगतान आती है लेकिन द्रव्य कर्म के चश्मे ज्यादा चौखे होते हैं तो उनकी दृष्टि निरावरण होती है ने? नहीं। और मोक्ष मार्ग के लिए सहायक बनते हैं वो चश्मे। वो तो वो ज्ञान दर्शन अलग बात है और प्रकृति अलग बात है। प्रकृति तो आपको कैसी मिलेंगी, वो आपके रोल के मुताबिक आधारित है। बराबर। ये कहीं बातें ऐसी होती है जो हमको चमत्कार जैसी लगती है और इसीलिए तो आप थोड़ा थोड़ा, मैंने सभी सभी में साइंटिस्टों को बोलता हूँ कि आपका विजन थोड़ा थोड़ा साइंटिस्ट बनाओ। मैंने बहुत सारी बातें कही है, आप सिंपल सुनो। आपने कहा कि तीर्थंकर के बॉडी जो होता है वो कटता नहीं है, मरता नहीं है, उसको काट नहीं सकते। मैं एग्री करता हूं, मगर कहने का मतलब यह है कि आप नर्क गति में जाओगे तो उसका बॉडी भी ऐसा है, लाख बार काटोगे तो भी नहीं मरेगा, देवलोक में जाओगे तो भी नहीं काट सकते हैं। तो इट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट मत दो। हमारी कर्म, हमारा कर्म जैसा होगा वैसा कुदरत हमको बॉडी देगी, मगर इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ, इट इज नॉट अ रियल ट्रूथ। ये हमारे आत्मा के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं है, चाहे तीर्थंकर का बॉडी है, चाहे वासुदेव का है, चाहे प्रति वासुदेव का है, चाहे देवलोक का है, चाहे मनुष्य लोक का है, कोई भी बॉडी से आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। और बॉडी हमको कुदरत देंगी हैज पर अवर कर्म। तो इसीलिए अगर मेरा तीर्थंकर गोत्र होगा तो मेरी बॉडी की क्वालिटी भी यही रहेगी, मेरा देवलोक होगा तो बॉडी की क्वालिटी भी यही रहेगी, मेरा नरक होगा तो बॉडी की क्वालिटी भी यही रहेगी। तो क्वालिटी क्या है उससे ज्ञान दर्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भुगतान होती है उसमें हमारी दृष्टि, आज का डेवलपमेंट अगले जन्म में काम करेगी कि नहीं? और डेवलपमेंट तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना। हाँ, तो उससे वो ये चश्मा चेंज होने में मदद मिलती है और अगला डेवलपमेंट फिर से अगले अगले जन्म में
अच्छा होगा। आज का आपका ज्ञान दर्शन से, आज का आपका जो ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ के रूप में है, वो ही ज्ञान दर्शन से जो मन बुद्धि चित अहंकार में प्रोसेस होती है, वो अंतस्करण अभिचार्ज में प्रोसेस हुआ, वो ही अंतस्करण नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज आएगा, और ज्ञान दर्शन तो डेवलपमेंट में रहेगा और वो तो कैरी प्रो होता रहेगा, और यहाँ मन बुद्धि चित अहंकार जो चार्ज हुआ है नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। बराबर, और उसकी दृष्टि मैकेनिकल ही होगी फिर तो सवाल ही नहीं है। महावीर की दृष्टि भी मैकेनिकल, राम की भी मैकेनिकल, कृष्ण की मैकेनिकल, कौन सी? डिस्चार्ज वाली दृष्टि। और ज्ञान दर्शन जो होगा वो अलग होगा, डेवलपमेंट पे आधार रहेगा उसका। इससे डिस्चार्ज से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। बराबर, टोटली अलग ही है। एक मिनट, एक सिंपल प्रिंसिपल एज अ साइंटिस्ट ध्यान में रखो कि जब हम डिस्चार्ज शब्द बोलते हैं तो उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, फिर हमारा कंसल्ट नहीं रहेगा। बराबर बराबर, आहा आहा। तो ये सब धीरे धीरे सिद्धांत अपने विजन में सेट करते रहो, सेट करो, सिर्फ सुनो नहीं, सेट करो। और अभी जो हमारे हमारा ज्ञान दर्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारा अगले जन्म के डेवलपमेंट पे आधार रहता है, और आज का पुरुषार्थ भी उसमें काम करता है, ऐसा होता है। तो आज का, आज के पुरुषार्थ के आधार से ही नेक्स्ट बर्थ में जो पुरुषार्थ किया है, और जो पुरुषार्थ में दो भाग होगा, एक भाग है पुरुषार्थ का भाग होगा चार्ज का डिस्चार्ज होगा, और दूसरा पुरुषार्थ का भाग होगा आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट इज कैरी फॉरवर्ड, और जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी एक प्रश्न आया है, पूछ लो। बोलिए। हाँ, या जो हम दृष्टि का उपयोग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ये जन्म में, उसका फाउंडेशन हमारा अगले जन्म का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? दो, हमारे की पुण्याई के आधार से। हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हमारे पुण्याई के आधार से जो हमें आपका संजोग मिला वो मिला, उस पे आधार रहता है कि हमारा अगले जन्म के डेवलपमेंट पे आधार रहता है? आज का ज्ञान दर्शन का उपयोग, उसका आधार किस पे रहता है? ज्ञान दर्शन का आधार, आज के ज्ञान दर्शन का आधार, वो अभी आपको जो तीन चीजों मिली है, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों के आधार से आपका ज्ञान दर्शन होता है, और वही ज्ञान दर्शन से आप पुरुषार्थ करते हैं। क्लियर क्लियर एकदम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दर्शिता अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वो जो हम चरण विधि में बोलते हैं कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म समर्पित करते हैं, तो ये भाव कर्म और ये भाव कर्म में, यानी डिस्चार्ज भाव कर्म समर्पित करते? चार भाव तो समर्पित करते ही नहीं, कर नहीं सकते ना, वही तो पुरुषार्थ है। नहीं, वही तो अभी तक वही समझ रहे थे कि भाव कर्म भी समर्पित है, तो वो अभी ये बात अलग हुई ना। बताऊं मैं आपको, ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो, ये भाव कर्म समर्पित करने का मतलब क्या है? भाव कर्म को समर्पित करने का मतलब होता है, मेरा भाव अभी जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ही होगा, और उसे जो रिजल्ट मिलेगा आखिर मेरे को प्रकृत रिजल्ट मिलेगा, इसके साथ मेरा कंसर्न नहीं है। जैसे मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाना है, ये मैंने भाव किया, फिर भी नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, तो नेक्स्ट बर्थ से मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, फिर केवल ज्ञान हो गया
और मेरा लाइफ खत्म हो गया, मैं मोक्ष में गया, वही कंसर्न है, फिर कैसा लाइफ मिलता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया, एकदम से क्लियर नहीं हो रही। ओके, एक मिनट। मैंने तीर्थंकर बनने का भाव किया, मेरी क्वालिटी भी थी और इसीलिए, और मेरे को मोक्ष में भी जाना था, दोनों बात थी। तीर्थंकर बनना वो तो रिलेटिव बात है, और मोक्ष में जाना वो रियल बात है, वो अल्टीमेट सत्य है, वो टेम्पररी सत्य है, रिलेटिव सत्य है। तो मैंने तीर्थंकर के भाव किए और केवल ज्ञान भी प्राप्त करना है, मगर मेरे को लाइफ कैसा चाहिए, तो कि तीर्थंकर बनना है। क्यों बनना है? तो कि जिस प्रकार से मैंने ये ज्ञान दर्शन शुद्ध पाया और जिस प्रकार से मेरे को शुद्धता की अनुभूति हुई, वो अनुभूति लाखों लोगों को होवे, यही मेरी भावना थी। तो भावना के आधार से कुदरत ने मेरे को तीर्थंकर का रूप का बॉडी दिया और तीर्थंकर की देखना के लिए मेरे को संजोग दिया, मगर आत्मा को तीर्थंकर का बॉडी और तीर्थंकर की देशना से कोई कंसल्ट है नहीं, नहीं, नहीं है। Now you understand my point? हाँ, तो द्रव्य कर्म भी समर्पित, हाँ, हाँ, भाव कर्म भी समर्पित। ओके, बराबर बराबर, आप समझे ना मेरी बात? हाँ 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 हाँ, बराबर है बराबर। और ये जो जो आप, हम कल भी बात हुई थी कि वो जो कर्म बंद आयुष्य बंद होता है, तो फिर वो अगले जो आयुष्य बंद पड़ते लास्ट डेथ की लास्ट अंत तक को तो होता है बराबर, अपना आयुष्य बंद चेंज होता है, तो फिर अगले का कोई मतलब रहता है? वो अगले जो पहले पड़ा वन थर्ड अपना पूरा आयुष्य का स्पान है, उसमें जो वन थर्ड बाकी रहा और जो आयुष्य बंद पड़ा, फिर तो वो चेंज होता ही रहता है। तो पहला जो आयुष्य बंद पड़ा तो उसका फिर कोई मतलब रहता है? नहीं, वो तो रिवाइज होता है ना, रिवाइज होता है। हाँ, रिवाइज होता है, तो फिर पहला जो पड़ा ना वन थर्ड बाकी था, पहला वन थर्ड जब मेरा आयुष्य, तो उसका कोई ये तो यानी कोई निकाचित है तो फिर रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा तो कुछ है ना? वो निकाच वो श्रेणिक महाराजा का जो तो हुआ था, तो नहीं नहीं नहीं, बताऊं मैं आपको, या पहले या दूसरे का प्रश्न नहीं है। मैंने मेरा टू थर्ड आयुष्य खत्म होने के बाद नेक्स्ट बर्थ का पहला बर्थ होता है, टू थर्ड, वन थर्ड, टू थर्ड, टू थर्ड खत्म होता है तो मेरा लाइफ का नेक्स्ट बर्थ का पहला बंद होता है। इसमें से अभी मेरा वन थर्ड लाइफ तो बाकी है ना, उसमें मैं नया कर्म भी बना सकता हूँ और जो पुराने कर्म बने हैं उसमें करेक्शन भी कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम तो चालू है मेरी, ठीक है, और इसीलिए आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो फिर वो वैसे निकाचित हो गया हो तो चेंज नहीं कर सकते, वरना तो कर सिर्फ निकाचित कर्म, यू कैन नॉट चेंज इट। तो अभी तो अपनी इतनी ताकत ही नहीं कि ऐसे निकाचित कर्म बन हो जाए ना। मतलब मेरा प्रश्न ये है, हमारे स्पिरिचुअल साइंस में कैसे कर्म बने वो सब्जेक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको को ही नाश करना है, कर्म कैसे बना वो भी नहीं देखना है, पिछला कैसे वो भी नहीं देखना है, और बना कैसा वो भी नहीं देखना है। सिर्फ कुदरती काम और रचना ही देखनी है। कर्म बना वो देखेंगे तो फिर आपको कहेंगे फिर मेरे को प्रतिक्रमण करना है, फिर वो सब्जेक्ट आएगा। बराबर बराबर, वो सब्जेक्ट पे हमको जाना ही नहीं है। कर्म कैसा निकला वो भी सब्जेक्ट में नहीं जाना है, और कर्म कैसा चार्ज किया वो सब्जेक्ट में भी नहीं जाना है। हमको सिर्फ अज्ञान को ही निकालना है, वो भी विज्ञान से। विज्ञान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, उससे हमको अज्ञान निकालना है, वो ही मेरा सब्जेक्ट और प्रायोरिटी है। कैसा कर्म बन गया वो मेरे को देखना नहीं है, जो भी होगा भुगतान करेंगे, मगर अज्ञान मिटा के उसको भुगतान करेंगे, अज्ञान के साथ नहीं करेंगे। हाँ हाँ, अज्ञान अगर निकल गया तो फिर भुगतान में एकदम से फर्क पड़ जाएगा कि अपना है ही नहीं, तो फिर वही तो बात है, वही तो बात है। आज
इतने सारे समर्थ पुरुष को भी लास्ट बर्थ में इतने सारे कर्मों की भुगतान क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अज्ञान निकलने में फोकस किया, प्रतिक्रमण सामायिक में फोकस नहीं किया। तो उनका देहाध्यास था ही नहीं, तो उनको भुगतान थी ही नहीं। हम देख रहे थे कि वो भुगत रहे हैं, मगर सच में वो नहीं भुगत रहे थे। तो इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि जितने भी समर्थ पुरुष थे वो अपने समर्थ पुरुष अध्यात्म की बात करता हूँ, जो भी अध्यात्म समर्थ पुरुष होते हैं वो प्रकृति की ओर देखते ही नहीं है, डिस्चार्ज प्रकृति की ओर भी नहीं देखते और चार्ज प्रकृति की ओर भी नहीं देखते। उनका तो एक ही मकसद होता है, कैसे भी करके ये सनातन सत्य की हेल्प से खत्म कर दो, दैट्स इट। तो वो जो डर कभी हमारा है कि हमारा फोकस भी वही है। प्लीज बोलिए। कभी 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 ऐसे डर लगता है कि वैसे वो झाड़ पान काटने पड़ते हैं, फिर रोग आता है ना, तो दवाई भी डालनी पड़ती है, तो डर लगता है कि अभी इतने जीव हिंसा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा अपना, वो डर लगता है। और क्या करे, वैसे करना भी पड़ता है। और वो सब ये आपको जो डर है वो ही देहाध्यास है। देहाध्यास है, वही वही मुझे अभी वही हुआ, मगर फिर भी होता तो है। क्योंकि महावीर भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि महावीर के जीवन का अस्तित्व जीव हिंसा के बिना था, ऐसा महावीर भी नहीं बोल सकते। हाँ नहीं नहीं, वो तो वायु काय तो होते ही थे। तो जो बात कंपलसरी है उसमें हमको सोचने की क्या जरूरत है? तो अभी तो यही कर सकते हैं कि भी फिर से ऐसा संजोग नहीं मिले, ये सब ये बंगला मांगा तो अभी ये सब मतलब हमारा काम तो ये है कि हमको मन वचन काया ही नहीं चाहिए, तो मन वचन काया से जुड़ा हुआ संसार तो चाहिए, वो तो प्रश्न है ही नहीं। नहीं नहीं, हाँ क्योंकि हम मन वचन काया को ही कुदरती रचना मानते हैं, और मैं खुद शुद्धात्मा हूँ जो चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला हूँ, तो मेरे को कोई मांगना का, प्राप्त करने का या लॉस करने का सब्जेक्ट है ही नहीं। बराबर है। और ये सब फिर बार बार बोलें कि ये सब देव देवियां कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से हो रहा है, तो फिर मैं बोली कि अब ये कृपा से सब हो रहा है तो फिर वो कर्म का सिद्धांत ही उड़ गया, ऐसा होता है ना? फिर तो रिलेटिव सत्य में आ गया, कृपा सिद्धांत नहीं उड़ गया, सिद्धांत तो वही का वही रहेगा। हाँ मगर लोग इसको जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि आम लोगों का, धार्मिक और सामाजिक व्यक्तियों का जो प्रेजेंटेशन है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और इसीलिए उनकी बात तो ऐसी ही होगी कि माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, शिक्षकों का आशीर्वाद चाहिए, वडिलों का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। यही बातें रिलेटिव सत्य में होती है और होती ही रहेगी। हमको इसके ऊपर बियॉन्ड जाके सनातन सत्य की दृष्टि को परिपक्व करना है। वही वही कि भाई ये तो श्रद्धा की बात हो गई ना, वो विश्वास या सिद्धांत की नहीं हुई। हमको तो सिद्धांत देखना है, श्रद्धा की बात को डीप में नहीं लेना है, संभव से निपटारा खत्म हो गई बात। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, या जय सच्चिदानंद स्वामी जी, अपने जरे केवल दर्शन थाय छे स्वामी जी, त्यारे अपन केवल ध्यान नू बीज पड़े छे, एक तो बराबर છે, અને કેવળ દર્શન એટલે શું કે જે સનાતન સત્ય છે છે એ આપણને ક્યાંક અનુભવમાં પણ આવતું હોય છે ત્યારે, એને જ કેવળ દર્શન કહેવાય, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન। કેવળ દર્શન એટલે આ જગતના પાંચ તત્વો અને કુદરતના કાનૂન 100% મારા વિઝનમાં ખુલ્લા થઈ ગયા, એટલે હવે મિસ્ટેક થવાનો સ્કોપ જ ખલાસ થઈ ગયો, ખુલ્લા થઈ ગયા। બરાબર છે બરાબર છે, ઇટ ઇઝ ઓપન, ઇટ ઇઝ ઓપન, બરાબર પુરસાર્થ ના રહ્યો, ઓપન થઈ ગયા, ઓપન થઈ ગયા। એટલે એ કેવળ દર્શન એટલે કે આ કેવી રીતના આખું ચાલે છે, આ જગત કેવી રીતના ચાલે છે, બ્રહ્માંડ કેવી રીતના ફંક્શન કરે છે તે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ પણ ખરું, તો આપણે કહી શકાય કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે છે, જે ચાર્જ નેક્સ્ટ ભવનો છે એને આ અનુભવ થાય છે, એમ આપણે કહી શકીએ સ્વામીજી?
એટલે શેનો અનુભવ શબ્દ વાપરો છો? એટલે આપણે કેવળ દર્શન આ ભાવમાં કોઈને થાય કેવળ દર્શન બરાબર, તો એને બધું જે છે વિઝનમાં એને આવી જાય, એને સાયન્ટિફિકલી બધું આવી જાય એને કે આ કેવી રીતના બધું થઈ રહ્યું છે, એમાં દર્શનમાં આ કેવી રીતના ચાલી રહ્યું છે અને હું કોણ છું એ પણ એને એટલું જ સ્ટ્રોંગલી એને અનુભવમાં આવે એને, અથવા અનુભવમાં ના આવે તો એને વિઝનમાં આવે. સ્વામીજી કેવળ દર્શન 100% ખુલ્લું થઈ ગયું, ખુલ્લું થઈ ગયું કેવળ દર્શન સંબંધી પુરુષાર્થ સમાપ્ત થઈ ગયો અને પેલું જે 100% નિશ્ચયમાં આવી ગયું એનું બીજ પડ્યું, નેક્સ્ટ બટમાં 100% રિઝલ્ટમાં આવશે એટલે અનુભૂતિ સિર્ફ ઇસી ચીજ કી હોતી હૈ કે કેવળ દર્શન હો જાતા હૈ કે યે કિસ તરહ સે પૂરા બ્રહ્માંડ ચલતા હૈ, અનુભૂતિ સિર્ફ ઇસી કો ઉસી કી હોતી હૈ, બરાબર હૈ? વહી 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 કહેતે હૈ ને કે આત્મા કે પ્રકાશ મેં યે દુનિયા કૈસે ચલતી હૈ વો સિદ્ધાંત સે ઓર તત્વ સે ખુલા હોતા હૈ, ખુલા હો જાતા હૈ. યે શરીર મેરા હૈ, યે સંબંધ મેરા હૈ, યે સંજોગ મેરા હૈ, યે સાધન મેરા હૈ, યે પ્રકૃતિ હૈ વો મેં ચલાતા હું, સામને વાલા ચલાતા હૈ, યે માઇન્ડ સ્પીચ એક્શન મેં ચલાતા હું, સામને વાલા ચલાતા હૈ, યે સબ સબ્જેક્ટ અપને આપ સમાપ્ત હો ગયા. ક્યા હો ગયા? સમાપ્ત હો જાતે હૈ, બરાબર હૈ, બરાબર હૈ. તો ફિર ઉસકે બારે મેં તો અભી પુરુષાર્થ રહા હી નહીં, રહા હી નહીં. ફિર નેક્સ્ટ બર્થ મેં જો હૈ વો ટોટલી જો યે તો નહીં હોતા હૈ, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ચાર્જ વાલા નહીં હોતા હૈ, સિર્ફ ડિસ્ચાર્જ હોતા હૈ. और तभी तो लास्ट बर्थ में स्पष्ट वेदन हो जाता है, स्पष्ट वेदन हो जाता है और फिर वो अपने स्वभाव में होता है, आत्मा आत्मा के स्वभाव में होता है और ये जो है वो टोटली सेपरेशन होता है, ऐसे कह सकते हैं ना स्वामी जी? हाँ हाँ, दोनों अपने स्वभाव में, प्रकृति भी अपने स्वभाव में, परमात्मा भी अपने स्वभाव में, और प्रकृति और परमात्मा को अलग करने वाला का अस्तित्व नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर पुरुषार्थ करने वाला कर्मचार्ज करने वाला रहेगा ही नहीं, मगर जो कुछ कर्मचार्ज हो गया है उसके लिए डिस्चार्ज शरीर अपने आप स्वभाव में रहेगा कुदरती रचना के रूप में, और जब इसका अंत हो जाएगा तो आत्मा मुक्त में जाएगा क्योंकि और तो कोई कर्म किया नहीं है. हाँ, तो इसका मतलब ये आत्मा का अनुभव नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है, ऐसे कह सकते है ना? नहीं, आत्मा का अनुभव का मतलब हुआ लास्ट बर्थ में आप खुद ही आत्मा के स्वरूप हो गया, यानी आवरण खत्म हो गया. क्या हो गया? आवरण खत्म हो गया, तो वही जो है जो मतलब जो प्रतिष्ठित आत्मा को तो नहीं होता है ना, मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी. नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मगर हाँ अस्तित्व खत्म डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को केवल ज्ञान में देख कर वो उत्तर दे सकते हैं. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट बर्थ में जो है वो जो जिसको अनुभव हो रहा है, जो अपने स्वरूप में ही है, वो ही अनुभव कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं स्वामी जी? हाँ, खुद हाँ. खुद का ही अनुभव कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं? हाँ, खुद, हाँ. खुद ही खुद का अनुभव कर रहा है, खुद का अनुभव कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं? हाँ, बस यही क्लियर कर रहा है. इच्छा प्रतिष्ठित आत्मा तो सिर्फ केवल ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ दिखता है वो एज इट इज एक्सप्लेन करता है. बराबर है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा. हाँ, बराबर है. मगर वो प्रकाश के अंदर दिखता है उसको ही देख और जान सकते हैं, प्रकाश को देख और जान नहीं सकते हैं. बराबर है, बराबर है. प्रकाश को देख नहीं जा सकते, जान नहीं सकते, मगर प्रकाश है तो उसके प्रकाश से देख और जान सकते हैं. प्रकाश हाँ. में जो दिखता है उसको देख और जान सकता है. हाँ, बराबर है स्वामी जी. हाँ. तो यानी अपने स्वभाव में उसको ऐसा भी होता होगा कि हाँ ये मेरा ही स्वरूप है और ये वो ही स्वरूप हो रहता है, वो आत्मा का ही, आत्मा के ही स्वरूप हो जाता है वो, तभी आत्मा एज अ आत्मा ही फंक्शन होता है उसका. जरूरत नहीं है ये मेरा ही स्वरूप है.
नहीं मतलब ऐसे शब्द में कैसे कहें इसके लिए ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, मगर एक्चुअली शब्द से भी परे है और अपने स्वस्वरूप में ही है वो, ऐसे कह सकते हैं ना स्वामी जी? यानी इसको कहता है स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, हाँ स्वसंवेदन कहो, स्वस्वभाव कहो, स्वस्वभाव में होते हैं, बराबर है। हाँ जैसे जय स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अपना ये सनातन सिद्धांत पहले भी बात उसकी हुई, लास्ट संडे को भी हुई, आज भी बहुत हो गई, तो उसमें मुझे थोड़ा इसमें क्लेरिफिकेशन चाहिए था कि स्वामी जी दादा ने दोनों की दोनों बात की, सनातन सिद्धांत की भी बात और अक्रम विज्ञान की भी बात की, राइट स्वामी जी? बोलिए, मैं अभी सुन रहा हूँ, अभी आना नहीं बोलूंगा, सुनता हूँ, इसके लिए मैं यस बोलता हूँ, आप जो बोलते हो वो करेक्ट है कि नहीं इसके लिए मैं यस नहीं बोलता हूँ, कि आपने जो कहा मैं सुन रहा हूँ, फिर जब आंसर दूंगा तब आपको कहूंगा, तो इसलिए आप ऐसा मत कहो कि आप एक एक वाक्य बोलोगे मैं हाँ कहूंगा, मतलब मैं करेक्ट ऐसा नहीं स्वीकारता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ इतना स्वीकारता हूँ। तो स्वामी जी पहले ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा क्योंकि ये जो कंफ्यूजन सब वो हो रहा है सबको, और पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि स्वामी जी पहले आपने भी बताया कि पहले स्वामी जी ने पहले सनातन सिद्धांत की रो समझ में बात लोगों को नहीं आई, फिर इसके बाद में अक्रम विज्ञान का पांच आज्ञा और उसकी सब बात की। तो स्वामी जी पहला प्रश्न ये है कि वो अपने पहले सनातन सिद्धांत की बात दादाजी ने पहले बताई थी और लोग अभी लोग नहीं समझे, बाद में उसने अक्रम विज्ञान की बात की, वो एक मेरा पहला प्रश्न था, उसके साथ कनेक्टेड दूसरा है, तो अगर वो दोनों है तो दोनों साथ में कैसे चलते थे, अक्रम विज्ञान की भी बात करते थे, सनातन सिद्धांत की भी बात, वो तभी अक्रम विज्ञान जब भी चालू किया तभी सनातन सिद्धांत की बात दादा ने बंद कर दी थी कि वो भी चालू रखी थी, और दूसरा ये अपना 2430 का अपना ये अपना सूत्र जो है आपता सूत्र के प्रतिक्रमण सामायिक जेवा तूफान न हो, ये सनातन सिद्धांत तो ना कॉन्टेक्स्ट में किधर स्वामी दादा ने बोला है स्वामी जी? बस ये स्वामी जी ये प्रश्न नहीं, उन्होंने हाँ उन्होंने विज्ञान कहने की तो कोशिश किया था, समझ आवाज नहीं आ रही है, खुला हुआ था सम के आवाज नहीं आ रही है, उनको जो हेलो हाँ आ रही है समझ, ओके कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो उनको जो विज्ञान खुला हुआ था, विज्ञान का उन्होंने नाम दिया व्यवस्थित शक्ति, ठीक है, हम जिसको कुदरती कानून कहते हैं, कुदरती रचना कहते हैं या कुदरत कहते हैं, वो दादा भगवान ने व्यवस्थित शब्द के रूप में प्रेजेंट किया, दोनों का अनुभव एक ही है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ओके समझ, राइट, ओके अभी आगे बोलता हूँ, तो ये उनको ये जो विज्ञान खुला हुआ था वो ही विज्ञान बताने की कोशिश किया, राइट, मगर उदय कर्म के अधीन विज्ञान समझने वाले लोग उसको नहीं मिले। ओके समझ, राइट, तो बाद में जो भी लोग उनसे जुड़े उसको सर्वाइव रखना है ना? हाँ हाँ ओके स्वामी जी, तो बाद में उन्होंने जब सनातन सत्य नहीं समझ सके तो उन्होंने रिलेटिव सत्य देने की कोशिश किया कि कम से कम वो आध्यात्म के मार्ग में नहीं जाए तो धार्मिक मार्ग में या तो शुभ मार्ग में तो आगे जाए, हो सकता है आगे जाके उनको एक दो अवतार में फिर भी आगे अनुभवी पुरुष उसको प्राप्त हो जाएगा। ओके समित, बराबर, ओके, और हमारे जीवन में ऐसा उदय कर्म आया कि जैसे भी मेरे को बचपन से लेके शास्त्रों का ज्ञान मिला,
फिर दादा भगवान का ज्ञान मिला, फिर दादा भगवान का आप तो पुत्र बना, फिर बाद मैंने दादा भगवान के ज्ञान विधि की, पांच आज्ञा की, सत साधन की, सामयिक प्रतिक्रमण, आरती और कीर्तन भक्ति की मैंने बातों कहा, सभी को बातों कही मैंने, ये भी मेरा संयोग था। उसके बाद मुक्त होने के बाद मैंने विज्ञान कहने की भी बात किया, तो ये मेरा संयोग है। ओके, तो स्वामी जी अपना ये उनका उदय कर्म, ये मेरा उदय कर्म है। दोनों के पास विज्ञान था मगर उदय कर्म अलग अलग था। ओके, तो स्वामी जी जब भी वो दादा ने बताया था तभी आपको भी ये पूरा विज्ञान समझ में आया ही था ना स्वामी जी आपको? वो तो खुला खुला तो हो गया था, मगर प्रेजेंट करने के लिए संजोग चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं होता है ना। ओके स्वामी, ठीक है ओके राइट। तो बाद में ये अक्रम विज्ञान जब ये वो हुआ रिलेटिव सत्य का, तभी वो अपने बाद में सनातन सिद्धांत की। हाँ स्वामी जी, उसके लिए मुझे अपना दो रेफरेंस मुझे मिल रहा है कि मैंने जो दुख अपने देखो, अपना एक आर्टिकल है स्वामी जी अपना दादा का, प्रयोगशा मिश्रशा और विश्वशा, उसमें स्वामी जी ने वो लास्ट में दादा ने बोला है कि उसमें गुजराती में लिखा, इसलिए मैं गुजराती में पढ़ता हूँ। बहु ऊंडा ना उतरू अतरवा जेव नथी आ भूल भूलामनी छे, अमे कहिए कि मही पैसो ज नहीं, एवं दादा अहीं कीधु। स्वामी जी बीजो बीजे एक ठेकाने अतर मने याद नहीं क्या लिखे छे के अभी छे तत्व में आप लोग ऊंडा उतरो ही मत, वो भी एक जगह पे दादा ने बोला था स्वामी। ये आपका अभी जो बताया ना स्वामी जी, उसके रेफरेंस में ये दो चीज मुझे मिली थी, क्योंकि ये आप जो बोलता है ये इसके ये जो आपने दो हाँ बोले, हाँ स्वामी जी बोलिए बोले कंप्लीट कीजिए। नहीं हो गया, ये हो गया। और दूसरा स्वामी ये दो जो रेफरेंस मुझे मिला कि आपका ये जो अपने बताना वो रेफरेंस में दो रेफरेंस का मैं दो रेफरेंस का आपको उत्तर दूं मैं? नहीं वो तो स्वामी जी समझ में आ गया ना, इसके हिसाब से वो उसको अपना लोगों समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने वो ये दादा ने बोला, वो तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है स्वामी जी, वो अपना वो मालूम हो गया स्वामी जी। कहने का मतलब के प्रकृति में ऊंडा उतरने की जरूरत नहीं है वो भी कहा, और छह तत्व में ऊंडा उतरने की जरूरत नहीं वो भी कहा ने? हाँ बराबर है स्वामी, क्योंकि उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा इसलिए ना स्वामी जी। तो उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। ओके ओके स्वामी जी बोलिए बोलिए स्वामी जी। क्योंकि ये दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट है, इसीलिए उत्तर देना चाहता हूँ। ओके ओके स्वामी जी। जो व्यक्ति को बार बार प्रकृति के बारे में ही प्रश्न करने की आदत होती है, उनके लिए दादा भगवान ने ये कहा कि प्रकृति में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कंफ्यूजन है, भूल भुलाम ही है, आपको सिर्फ प्रकृति से मुक्त रहना है। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस यस स्वामी जी राइट। और जो व्यक्ति उनको मिले जो थिंकर नहीं थे सामान्य बुद्धि वाले थे, मगर उन्होंने भी छह तत्वों की बात सुनी, तो दादा भगवान को बार बार पूछते थे कि भाई ये छह तत्व कैसे काम करते हैं। तो दादा भगवान ने देख लिया कि ये उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ऊपर की बात है, तो आपको अभी छह तत्वों में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताया। ये दोनों अलग व्यक्ति है, दोनों का अलग संजोग है, दोनों का अलग लेवल है। ओके, तो स्वामी जी वो एक ही टाइम पे अपने दोनों बात किए थे, सनातन सिद्धांत की भी बात कर रहे थे, अक्रम विज्ञान की भी बात कर, जो भी जैसा वो सामने प्रश्न करने वाले जैसे मिलते थे वो हिसाब से स्वामी अपना दादा बात करते थे? नहीं, वो उसका उदय कर्म था, मतलब आप समझो बात करते थे, मतलब उसके पास फ्रीडम नहीं थी बात करने ना करने की। फ्रीडम नहीं थी, जो अपना वो मिस के वो टाइम पे उसकी फ्रीडम थी, अपना उदय कर्म तो था वो तो सही है, लेकिन वो टाइम पे वो ऐसा अपना मिला था इसलिए दादा को वही सबसे जवाब भी देना पड़ा। तो मतलब उसमें ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन समझते हैं ना आप? हाँ हाँ बराबर स्वामी जी राइट राइट ओके। और दूसरा स्वामी जी अपना दूसरा लास्ट जो चीज में ऑप्शन नहीं होता है, जो चीज में ऑप्शन नहीं होता है इसको बोलते हैं कंपलसरी। राइट बराबर राइट। और स्वामी जी अपना ये अभी इसमें अभी ये भी समझ में आ गया
कि स्वामी जी अपना जो दादा ने बताया 2430 वाला जो आप्त सूत्र है कि यहाँ पे प्रतिक्रमण सामयिक जैसा तूफान नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, तो वो सनातन सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में बताया है स्वामी जी, बरोबर है। और दूसरी बात क्या है, जो व्यक्ति मुक्त होते हैं, अनुभवी ज्ञानी और तीर्थंकर भगवान, अनुभवी ज्ञानी और तीर्थंकर भगवान, ये लोग अपने जीवन में जो भी बात उपदेश के रूप में या तो शिक्षा के रूप में करते हैं वो हमेशा सनातन सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित होती है, चाहे सामने वाला व्यक्ति स्वीकार करे या न भी करे। और दुनिया को इनको स्वीकार करे या न भी करे, हाँ, मगर वो अपनी जबान से रिलेटिव सत्य की बात उपदेश के रूप में, शिक्षा के रूप में नहीं करते हैं, ये उनका बीज था और इसीलिए जबान भी ऐसी निकलती है। ओके ओके मिस, जब भी अपना वो ये सबसे निकला, और जिसके बीज में ऐसा है और जिसके बीज में ऐसा है कि नहीं भाई जैसा व्यक्ति है ऐसा मेरे को इसको गाइड करना है, तो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे तो वो करना है, सनातन सत्य की बात करते हैं तो वो करना है, तो फिर उनकी जबान में भी वही निकलेगा, जैसा बीज वैसा फल। ओके हाँ ओके, तो अपना ऐसा पे अपना स्वामी जी अपना दोनों बीज लेके आए थे दादा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं स्वामी जी? फल हुआ मतलब भी तो बीज था, इट इज कंपल्सरी। ओके, जब आप कहोगे कि कलयुग में पैदा हुआ और फिर कहोगे कि कलयुग के लायक कर्म नहीं था, इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं था स्वामी जी, बरोबर है। दो बात कैसे कर सकते हैं, जब कलयुग में पैदा हुआ मतलब कलयुग के लायक कर्म था। ऐसे जब उन्होंने रिलेटिव सत्य सनातन से दोनों की बात कहा, मतलब बीत था तब भी तो फल आया, बराबर है तो फल। ओके समझ, राइट बराबर है समझ। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एंड नो कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ प्रिंसिपल। ओके समझ, राइट और आज हम भी जो विज्ञान की बात कर रहे हैं वो भी हमारा उदय कर्म है, मगर अभी का उदय कर्म में ये लेकर आया हूँ कि मेरे को अभी मरते दम तक सनातन सत्य के अलावा कोई भी बात नहीं करनी है, चाहे कोई सुने न सुने, स्वीकारे या न स्वीकारे, मगर मेरे को दुनिया के सामने सनातन सिद्धांत सनातन सत्य ही पेश करना है, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो फॉर्मेट के ऊपर आधारित नहीं है। बराबर है स्वामी, राइट। नहीं वही अपना, क्योंकि देखो स्वामी जी अपना ये संडे को और आज, ये सॉरी वेनसडे और आज दोनों दिन जो हुआ ना, बहुत अच्छा ये पॉइंट होगा, अभी एकदम क्लियर हो गया स्वामी जी, कंफ्यूजन लोगों को या अपने को भी पहले अपना क्यों होता था अभी भी, और दोनों में अभी डिफरेंस क्या क्या है वो अपना वेनसडे का सत्संग में और आज जो क्लैरिफाई किया उसमें बहुत सा क्लैरिफिकेशन स्वामी जी उसमें हो गया, अभी अपना वो क्या क्या डिफरेंस जो है, कंफ्यूजन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बात होती है सनातन सिद्धांत और अक्रम विज्ञान की, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी ये बात करते हैं कभी ये बात करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होते ही रहता है, ये दोनों सबको होता है स्वामी जी, एक को पकड़ के रखते हैं फिर अपना प्रॉब्लम नहीं होता है स्वामी जी, इसलिए अपना सब लोगों को क्या अपना दोनों आपकी बात भी सुनते हैं और अपना ये दादा का भी ये आप तो वाणी वो सब सुनते हैं, इसलिए वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, कभी वो अपना वो अक्रम विज्ञान भी की बात करते हैं, कभी ये भी बात करते हैं, हाँ, तो उसके हिसाब से होता है स्वामी जी ऐसा। ओके जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बराबर है जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। अभी लास्ट में कोई है? एक भारती बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं वाचू तो के भावो भावक में भरी जाए,
भावो भावक में भरी जाए छे। भाव करने वाला, भाव करने वाले जो भावक होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब तभी तो भाव बनते हैं, तभी तो भाव बनते हैं। लेकिन भावक यानी क्या? भावक का मतलब होता है भाव का कारक, भाव करने वाला। हाँ, भाव करने इसको वाला। भावक बोलते हैं। हाँ। भाव करने वाला को भावक बोलते हैं, वो हाँ। कारक है, कारक कारक। भावक जो होते हैं वो भावक होते हैं, वो कारक होते हैं, भाव करने के कारक होते हैं, जिसके आधार से भाव भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। निंदक, मोहक, लोभक, बराबर, आप समझे ना? तो ये सब कारक होता है, ये कारक के आधार से ही भाव बनता है। અને જેમ બુદ્ધિ આપણી મિથ્યા મિથ્યા બુદ્ધિ સમ્યક બુદ્ધિ એવી રીતના મનનું ગુંઠાણું કેવી રીતના થાય? મનનું ગુંઠાણું કેવી રીતના થાય? મનનું ગુંઠાણું એટલે ખબર ના પડી, પણ એવો પ્રશ્ન ક્યાંથી લાવ્યો? કેવી રીતના ગુંઠાય છે રીતના મન કેવી રીતના ગુંઠાય છે? અભિપ્રાય, ઓપિનિયન છે, ઓપિનિયન સે બનતા હે, બરાબર? એટલે આપણી રોંગ બિલીફ ને બધું હોય એનાથી મન ગુંઠાય છે, બરાબર છે ને? જે જે બરાબર છે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। અભી પ્રાર્થના બોલવાની હે, પ્રાર્થના કરું છું। હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हो गए हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेद भाव निकल जाए, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।